था। एक हिंदी साहित्य के कवि सुप्रिया जी के रूप का वर्णन करते, कित सांस उसास लियो रि सखी। प्रिया जी भौतिक प्रगति से विचार करके आई है तो सखी पूछ रही है कित सांस उसास लियो रि सखी, अरे सखी तुम्हारा सांस इतना लंबा लंबा चल रहा है क्या बात है। तो सखी कहती है इत दौड़ करके गई और दौड़ कर आ गई इसलिए सांस चल रहा है। अब बिंद गिरी सिर की कहमा, तुम्हारे सिर का बिंद कहाँ गिर गया, सिर का सस मानत ना ही वो पांव पर आए, वो प्यारे श्याम सुंदर नहीं मानते थे इसलिए मैं उनके सिर पर अपना पांव रखी प्रणाम की इसलिए मेरा बिंद गिर गया। सखी से ललिता दीदी सखी से बातचीत हो रही है, सखी पूछ रही है प्रिया जी से, देखिए सखी संभाषण है, ललिता जी सखियां पूछती हैं कित सांस उसास लियो रि सखी, अरे सखी तुमको ये लंबा लंबा सांस कैसे चल रहा है। तो प्रिया जी कहती हैं ललिता जी से, यहाँ छिपाती नहीं ललिता जी से, इत दौड़ गई उत दौड़ किया बिंद गिरी सिर की कहां, सिर का बिंदी कहाँ गिरा, तो सखी मानत ना ही वो पांव पर है, प्यारे श्याम सुंदर मान नहीं रहे थे हमको आने नहीं दे रहे, तो मैं उनके सिर पर अपना सिर उनके चरण पर गिर गया बिंदी गिर गया। लाली छूटी अधरान की ये तुम्हारे अधर की लाली कैसे छूट गई, तो सखी तो रही बात की ठोर गई, तुम्हारी ही चर्चा में बार बार करी बहुत बोली इसलिए हमारे ओठ की लाली चली, कहमा पट प्रियतम की, और देखती हूँ तुम प्रियतम की पीताम्बर ओढ़ करके यहाँ आ गई है। तो सखी कहती है सखी तोरी प्रतीति की प्रीति है, तुम्हारी प्रीति को बताने के लिए मैं लेकर आई प्यार से आपको, देखिए यही है प्यार, इस रस की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं कि मोह विषय गोपी गने उपपति भावे जोग माया करिबे के अपन प्रभावे आमी हन जानी तहा ना जाने गोपी गण। इस रस का स्वादन सभी लोग किए हैं, भागवत में तो प्रायः ये प्रज्ञा रस की चर्चा है महाराज, इसलिए महाराज परीक्षित प्रश्न भी किए हैं कि आप तो कहते हैं भगवान आत्मा राम है, आत्म काम है, पूर्ण काम है, आत्म समस्त काम है, एक करता है, वक्ता है, अभिरक्षिता है, आए पर्दा विमर्शनम, ऐसा भगवान जो धर्म की स्थापना के लिए जगत में आया था वो भगवान का एक काम पर्दा विमर्शनम, ऐसा प्रश्न किए हैं। तो यही सब रस निर्यास करीब स्वाद, यही द्वारे करीब सर भक्ति रो प्रसाद, ब्रजे रो निर्मल राग सुनी भक्तगण, राग मार के भजे जैन छाड़ी धर पर। भक्ति क्या होता है इसको बताने के लिए ही तो इस रस की स्थापना की गई, श्री कृष्ण के प्रेम के लिए सर्वस्व त्याग किया जाता है। अब स्वकीय में तो क्या कुछ होता है नहीं, स्वकीय में अपने पति को त्यागना पड़ता है, न पुत्र को त्यागना पड़ता है, न सास को न ससुर को, ये तो कुछ त्याग नहीं है, तो इस रस का उत्कर्ष कैसे होगा, इसीलिए ब्रजे निर्मल राग सुनी भक्तगण, राग मार के भजे जैन छाड़ी धर्म पर, सर्वस्व त्याग करके श्री कृष्ण से प्यार कैसे किया जाता है। श्री गौरांग महाप्रभु का त्याग देखिए, गौर जैसा त्यागी कौन हो सकता है, गौरांग महाप्रभु सची माता का नेत्र के तारा थे, जीवन के एकमात्र आधार थे, गौर के बिना सची माता नहीं जीना चाहती थी, सची माता का जीवन केवल इसीलिए था कि हमारा लाला जीवित है, हमारा घर सची का सचिनंदन का मुंह देखकर कि सची माता जी की थी, अब विष्णुप्रिया का एकमात्र प्राणपति गौरांग महाप्रभु, कुछ नहीं दुनिया में किसी को नहीं जानती थी, लेकिन श्री कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ा जाता है श्री गौरांग महाप्रभु, सर्वस्व त्याग करके दिखाया। जो ब्रज गोपियां उपपति भावे पर किया रस का स्वादन करने के लिए गोपियां ने सब कुछ त्याग दिया, दैहिक दैविक समस्त धर्म कर्मों को त्याग करके श्री कृष्ण से प्यार किया, ठीक उसी तरह उस रस का आस्वादन करने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु ने सर्वस्व त्याग किया,
सब कुछ त्याग करके गंभीरा में गए और तड़पते रहे। नित्य सुखिया होते हुए तड़पते रहे। ये क्यों किए? ये रस लीला क्यों किए? करने की क्या आवश्यकता है? तो सुखदेव जी कहते हैं, अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमाश्रित। श्री कृष्ण का अवतार होता है जीवों पर अनुग्रह करने। अनुग्रहाय भूता, भगवान उपदेश नहीं देते हैं केवल करके दिखाते हैं। देखो कृष्ण के लिए कैसे सर्वस्व त्याग किया जाता है। श्री गौरांग महाप्रभु का चरित्र तो देखिए। श्री कृष्ण ऐसी बात नहीं कि नवद्वीप में महाप्रभु रहकर प्रचार नहीं कर सकते। इस विश्व के जितने बड़े बड़े विद्वान थे सब श्री गौरांग महाप्रभु आकर के हतप्रभ हो गए थे, हार गए थे। सारा दुनिया में गौर की तुति बोलती थी। सब सब बड़े बड़े दिग्विजय ब्राह्मणों को वहीं हराए थे नवद्वीप में। सब स्वीकार भी करते थे श्री गौरांग महाप्रभु को, सब लोग भगवान स्वीकार करते नवद्वीप। वहां से भी प्रचार कर सकते थे, लेकिन त्याग नहीं, बिना त्याग के कृष्ण नहीं मिलेंगे। इसको बताने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु त्याग त्याग के लिए रह किस लिए त्याग किए? तो बस एक ही कारण है जिसको सुखदेव जी कहते हैं, अनुग्रहाय भूता नाम मानुषं देहमाश्रित। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही श्री कृष्ण का अवतार। कैसे? तो भजते तादृशी क्रीड़ा जहा श्रुतवा तत्परो भव। तादृशी क्रीड़ा जहा श्रुतवा तत्परो भव। भगवान श्री हरि की दिव्य लीलाओं को केवल सुन कर तत्परो भव, माने कृष्ण परो भव। श्री कृष्ण के चिंतन में ये परकीय रस की आराधना की, इसमें बाढ़ चिंतन। स्वकीय में चिंतन नहीं होते, कुछ नहीं चिंतन। स्वकीय में तो झगड़ा मारपीट पिटाई है, लेकिन परकीय में केवल झुकना ही झुकना है। दो परे पहिया दो मुले तहें बलैया, वो भूल गए गैया वो गागरी उठाई वो। ये तो केवल विस्मरण ही है अपने प्रेमास्पद के। पत्नी महाराज काम करती रहती है, पूरा दिन रात काम करती रहती है 24 घंटा, लेकिन अपने पर पति का स्मरण चिंतन करती है। वैसे यही भजन है, संसार में रह करके चिंतन केवल कृष्ण का। पर किया भाव से भगवान की आराधना करते हैं। इन स्त्री पुत्र बाल बच्चों को अपना मानते हैं और श्री कृष्ण को पराया मानकर चिंतन करते हैं। यही तो पर किया भाव है। पर किया भाव से श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। कृष्ण हमारे इतने ये क्षण भी उनकी विस्मरण नहीं। सभी भक्तों पर यही कृपा करने के लिए भगवान ने इस लीला का आस्वादन किए, इस जगत में इस लीला को दिए श्री भक्ति प्रभु। श्री गौरांग श्री यशोदा मैया रंधन की हैं। ब्रजरानी राधा रानी ने जो नंदगांव में प्रसाद बनाए श्रीमती रसोई में ले ले जाकर के बोली, हे राधे तुम साक्षात कला स्वरूपिणी हो, तुम नित्य मेरे भवन पर कृपा दृष्टि डालती रहो। ऐसा आशीर्वाद मिल गया है दुर्वासा ऋषि के द्वारा ब्रजरानी राधा रानी को। जो वस्तु को स्पर्श कर देंगी वो अमृत स्वरूप हो जाएगा, जो पाएगा उसका उम्र बढ़ेगा। तो यशोदा मैया ब्रजरानी राधा रानी के पास जाकर के कहती, हे राधे तुम नित्य मेरे भवन पर कृपा दृष्टि डालती रहो, इसी से मेरा भार एक मेरा भंडार अक्षय बना रहेगा। रंधन के लिए अवश्य किसी भी द्रव्य का अभाव नहीं, जो चाहिए मांग लेना। यशोदा माँ की आज्ञा पाकर प्रीतम के लिए रसोई करने के लिए श्रीमती उल्लासमयी होकर के रसोई कुंज में प्रवेश करती हैं। और देखिए प्रिया जी का रसोई कितनी बड़ी कला है। प्रिया जी कई चूल्हा जल रहा है, सब चूल्हा पर किसी को चलाना है किसी को सब चल रहे हैं। यही पर कहते हैं, से नंदी स्वरे ब्रज पति र आलोय। इस श्लोक का भाव है, से नंदी स्वरे ब्रज पति र आलोय अनिज प्रण ई गणे परवृत्त हरे। प्रिया जी अपने सखी
सहचरियों की संवेष्टित होकर के लड़ाइयों के साथ प्रिया जी अभिशाप करती हैं नंदालय की ओर। उपस्थित है वे जब तुम्हार देखी दूर है, जब दूर से ही देखती है अनुसरी धनिष्ठा जाएगी त्वरा कर। जब धनिष्ठा दूर से देखती हैं प्रिया जी को तो हाथ पकड़ करके ब्रजेश्वरी निकटते अति हृष्ट रही, बहुत प्रसन्न होकर के प्रिया जी को ब्रजेश्वरी यशोदा जी के पास ले जाती है। कबे आमार सम्मुखे हाय जावे तुम्हारे, ऐसा रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा कब मुझे यह अवसर प्राप्त होगा कि धनिष्ठा आपका हाथ पकड़ करके ब्रजेश्वरी के पास ले जाती है, उस दृश्य को मैं कब दर्शन करूं। लीला चिंतन का एक अंग है, अष्टयाम में साधक गण प्रतिदिन लीला चिंतन करते हैं। प्रिया जी अभिशाप कर रही है, दर्शन कर रही है। राधा रानी के पास जब सखियां आती हैं तो आशी दासीगण राधा चरण, दासीगण जब आती हैं प्रिया जी के पास तो शीतल जल लेकर के प्रिया जी के पद का प्रक्षालन करती, धोती ये सखियों सर के मंजरियों की सेवा है। अति सुकुमल वस्त्र से लेकर के प्रिया जी के पैर धोकर फिर पूछती है, अंगुलियों में जो पानी हो गया है उसको पूछती है कि रोहिणी इत्यादि जो रंधन कर रही है प्यारे श्याम सुंदर के लिए उसके पास जा कर के देखती हैं, दर्शन करती हैं, तो प्रिया जी सेवा में जुट जाती हैं। इस प्रकार इस श्लोक में रघुनाथ दास गोस्वामी प्रिया जी की इस लीला का स्मरण किए हैं। प्रातां निज प्रणय प्रणयिनी प्रकरई परीतां नंदीश्वरं व्रज महेन्द्र महालयं तं। निज प्रणनियों के साथ जब अभिशाप करती हैं, दूरे निरीक्ष मुदिता त्वरितं धनिष्ठा, दूर से ही जब धनिष्ठा देखती है त्वामानयिष्यति कदा प्रणयैर्ममाग्रै, मेरे आगे ये लीला कब उपस्थित होगा। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी प्रिया जी की लीला का चिंतन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये रस का आस्वादन करने के लिए ही ये रस दिया जाता है। ये भगवान के नाम को चिंतामणि कहते हैं। भगवान का नाम क्या है? चिंतामणि। ये पारसमणि से ऊपर की चीज है। पारसमणि को संस्कृत में स्पर्श मणि कहते हैं। स्पर्श करने से जो सोना बना है उसको कहते हैं पारस पत्थर, पारसमणि। और भगवान का नाम है चिंतामणि। ये केवल चिंतन करने से ही मणि। तो इस रस, जिस रस की हम लोग आस्वादन करते हैं, तो इस रस में प्रवेश करने के लिए चिंतामणि की शरण लिया, क्योंकि ये निकुंज लीला है, चिंतन का विषय है। तो चिंतन से वो वस्तु प्राप्त हो जाए इसके लिए नाम की शरण लिया। नाम खूब रटेंगे तो नाम रटने पर क्या होगा,
तो हम लोग तो नाम रटते हैं और नाम रट करके संसार का चिंतन करते हैं तो संसार मिल जाता है। मठ मंदिर धन संपत्ति मार पिटाई झगड़ा इसका चिंतन करते हैं ना, तो ये सब मिलता रहता है, रोज रोज मिलता है लड्डू पेड़ा मिठाई, क्योंकि भगवान का नाम चिंता प्राणी है। और नाम रटते हैं और वस्तु के संसार के कोई चिंतन, इस चिंतन को करेगा तो रघुनाथ दास स्वामी को मिलेगा। भगवान का नाम रटे और प्रिया जी की लीलाओं का चिंतन किए तो प्रिया जी का लीला प्रकट हो स्पष्ट। हम लोगों के पास लड्डू पेड़ा मिठाई आ जाता है ना, नाम तो रटते हैं और चिंतन करते हैं संसार का, तो संसार उपस्थित हो जाते हैं। अब हम ये देखिए, ये चिंतन करना है और लीला का स्मरण करना है। कल हम लोग गीत गोविंद का पाठ किए थे, अष्टम शरण इसको कहते हैं, कलहन तारिका, कलहन तारिका, कलहन तारिका कहते हैं कि अपने पति को भगा देना फिर से पछता, यही है ना। जो उज्जवल नीलमणि में मान का प्रकरण बन किया गया है तो एक यह भी है मनाने का एक तरीका, हम किसी को मना रहे हैं यदि नहीं मान रहा है तो हम भी रुस कर भाग जाए, छोड़ो नहीं, एक पॉइंट। तो प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को और नजदीक आने के लिए श्याम सुंदर को भगाती, भाग जाए, भाग जाए नहीं कहती, और आ जाए अंदर अंदर। माँ अपने बेटा को कहती भाग यहाँ से, भाग, भगाती नहीं है, कहती अरे आ जा, जब अतिशय प्यार होता है तो ऐसे डांटा जाता है। उसी तरह राधा रानी कहती है, हरि हरि आही माधव आही माँ बद कही तब बाधव, झूठ मत बोलो, अरे तुम कपट करता है। राधा रानी जानती है कि कृष्ण बिल्कुल कपट नहीं करता, बिल्कुल सच्चा व्यक्ति, राधा रानी को पता है, लेकिन फिर भी कहती है कुहक नो मना छो भयंती, अरे कपट, अरे भाई कृष्ण जैसा निर्मल कोई होगा, अरे वो ही नहीं सकता, वेद कहता है, निषिद्ध कहता है, भगवान निर्मल है, निर्मल मन ही उनको पा सकता है। लेकिन प्रिया जी कहती है कुहक नो मना छो भयंती, अरे कुहक, भगवान भी सोचता है यार इतना मीठा गाली तो मुझको कहीं मिलता नहीं है, इतना प्यार कहाँ मिलता है, कौन आत्माराम कहता है, पूर्ण काम करता है, अरे परमेश्वर भौमा पुरुष क्या क्या भगवान की उपाधि मिलती है व्रत से बाहर, आप द्वारका में चले जाइए, जगन्नाथपुरी में चले जाओ, जगदीश कोई कहता है, कोई द्वारकाधीश कहता है, और यहाँ व्रत में कहता है तुहक नो मना, अरे चटोरे, अरे कहते हैं ब्रज, अरे चटोरे तू माखन के लोभ से हमारे यहाँ आए, हमें जानते हैं। तो प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को भगा दे, एक एक चीज दे करके बस बस हो गए चले, अब भगा करके प्रिया जी रो रहे, आज प्रिया जी रो रही हैं, कष्ट में आ गई हैं, तब सखियां कहा मन मत खिन्नान रतिरस भिन्नान विषाद संपन्नान अनुचिंतित हरिचरितां कलहंतरिता मुवाच रहसि सखी। इसके बाद प्रिया जी को भगाने के बाद एकांत में उनकी सखी से, सखी प्रिया जी से कह रहे, हरि विसरति बहति मधु पवने किम परम अधिक सखी सुख भवने माधव माँ कुरु मानी निमान मये, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किशोरी जी की सखी आकर के कह रही, प्रिया जी जब रुट गई हैं, प्रिया श्याम सुंदर को भगा करके मानवती हो गई हैं, तो सखी कहती है माधवे माँ को रुमानी निमान,
अरे माधव तुम अब मान मत कर, तुमको पता है हरि रवि शरती बहति मधो पवन, हरि रवि शरती बहति मधो पवन, किम परम अधिक सखी सुख भवन, माधव मां कुरु मां निधि मान मय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सखी कह रही है प्रिया जी, हे मान करने वाली राधिके, हे माधव, अब आप श्री कृष्ण के विषय में मान मत करिए। आप ही बताइए, वो कृष्ण तो आ गए थे, चरण पर गिर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, आपने फटकार कर भगा दिए और फिर उठ गए हैं, मान कर रहे हैं। हे प्रिय, बसंत की हवा बहने पर प्रिय श्री कृष्ण स्वयं संकेत स्थल पर आ गए, उनका भी मन नहीं लग रहा है कहीं, आपका चिंतन भी बार बार कर रहे हैं, वे आ गए। हे सखी, अब यहाँ इस कुंज में रह कर क्या करोगी, चलो वहीं करोगे। ताल कलाद गुरु मति सर सम किम विफले कुर से कुछ कल सम, माधव माँ कुर माने निमान मैं। सखी कहे, ताल फलाद गुरु मति सर सम किम विफले कुर से कुछ कल सम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय, एक बात मैं प्रार्थना करके बता रही हूँ, अब यदि श्री कृष्ण है तो निभाए, सखी करो ऐसा अब मत, मैं बार बार तुझको कहता हूँ कि प्यारे श्याम सुंदर के पास बहुत काम है, उनको सबके पास बकासुर अकासुर बकासुर धेनु सबके पास जाना पड़ता है, आपके आदेश का ही पालन करते हैं, आप नहीं आपके ही लिए आए हैं, आपने कहती है किसकी सेवा करो, जाते हैं और कितना हारे थके आते हैं, आपके चरणों पर प्रणाम करते हैं तो आप डांट कर भगा देती हूँ, क्योंकि आप ऐसा काम मत कीजिए। कति न कथित मिद मनोपद मचिरम माँ परिहर हरि मति शय रुचिरम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संपूर्ण जो गीत गोविंद है वही महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र है ना, तो पूरा गीत गोविंद, इस गीत गोविंद में ही मान है, मान इस हरे कृष्ण महामंत्र में मान है, मान भंग है, अभिसार है, लीला है, वासक से जो गीत गोविंद में 24 अष्टपदी है और 24 अष्टपदी में सभी 8 प्रकार की नायिकाओं की वर्णन है और वो सब इस महामंत्र में है, 8-8 नाम है 8-8 16 है इसमें पूरा गीत। कति न कथित मिद मनु पद मचिरम माँ परिहरि हरि मति शय रुचिरम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपको पता है आपके दुखी होने से सब सखियां दुखी हैं और सब मजाक किसको उड़ाएगी। अब आप ऐसा मत करो कि मिति बिसी दसी रो दसी बिकला बिहसति जुवति सभा तव सकला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यदि गीत गोविंद नहीं आता है तो ये महामंत्र के रटने पर गीत गोविंद का ही रसास्वादन ठाकुर जी को मिलता है। हरे कृष्ण जपेंगे ना तो इसमें भी यही रस मिलता है। किमित विशेद शिरो दश विकला विहसति जुवति सभा तव सकला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अरे भाई श्री कृष्ण कहीं गए नहीं, वहीं है, एक से कहाँ जाएंगे। अब सखी कहती है अरे प्रिया जी केम आप रूठ करके अपने नेत्र को बंद करके रो रहे। देखो मृदुनल नीदल शीतल सयने हरि मवलोकयसप लय नयने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अरे आंख मूंद कर जिसकी ध्यान कर रही हो तो सामने खड़ा है, देखो तो इस नव निर्मित निपुंज सैया पर प्यारे श्याम सुंदर सोए हुए, तुम अपने आंख खोल कर देखो। मृदुनल नीदल शीतल शयने हरि मवलोकय सफल नयने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर भी प्रिया जी का मान भंग नहीं हुआ। देखिए प्रिया जी को मनाने के लिए पहले सखियां प्रयत्न करती हैं, मंजरियां प्रयत्न करती हैं, फिर प्यारे श्याम सुंदर आकर के मनाते हैं, फिर भी प्रिया जी कितना गर्व मान हो जाता है, मान पहाड़ जैसा होता है कि ये भगवान छत मरे रूप धारण करके प्रिया जी को मनाया जाता है। प्रिया जी को मनाने में भगवान का नस नस ढीला हो जाता है, पूरा ताकत लगा देते हैं, गिरिराज उठाने में उतना ताकत नहीं लगाते। भागवत में लिखा गया है ओ ऐसे कमल के फूल जैसे उठे, लेकिन प्रिया जी को मनाने में बस कांप जाते, सब ठाकुर ठाकुर की ठाकुराई निकल जाती। तब सखियां कहती हैं इतना मनाने पर भी आप नहीं मान रही है, लगता है कोई ने पीछे से आकर के कृष्ण की निंदा कर दी है तुम्हारे। जनयसी मन सिमित गुरु खेदम शुरु मन वचन मनीहित भेदम। भेद उत्पन्न किया जाता है, कोई भेद उत्पन्न कर दिया। जनयसि मनसि किमित गुरु खेदम, गुरु खेद मन भारी खेद हो गया है। श्रेणु मम वचन मनि हित भेदम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। लेकिन मैं आपकी हित की बात करती हूँ,
सखी कहती है प्रिया जी से, मैं भेद उत्पन्न नहीं करूं। अरे भाई हम झगड़ा लगाती नहीं, झगड़ा मिटाती ऐसी बात नहीं, हमारे बात को आप हित समझ करके सुनिए। तो राधा रानी कहती हैं क्या करो बताओ। तो सखी कहती यदि अब प्यारे श्याम सुंदर आए हैं तो थोड़ा सा एक बार मीठा मीठा बोल दीजिए, बस और कुछ करना नहीं, हम इतना ही प्रार्थना। हरे रूपया अति बदतु बहु मधुरम। अरे भाई एक बार मीठा बोलने में क्या दिक्कत है, पत्नी को कोई मीठा मीठा भोजन ही नहीं खिलाना चाहिए, कभी कभी मीठा मीठा बात भी तो कर लेनी चाहिए। आप मीठा थोड़ा बात बोल दीजिएगा प्यारे श्याम सुंदर का पूरा दुख चला जाए। हरे रूपया तु बदतु बहु मधुरम, किमिति करोषि हृदय मति विधुरम। अपने हृदय को क्यों आप जला रहे, माधवे मान मानवे। बस हे प्रिया जी अब अपना मान था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री जयदेव भनित मति ललितम, सुखयति रसिक जनम हरिचरितम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री जयदेव पंडित कहते हैं श्री जयदेव भनित अति ललितम, आप लोग पढ़ लेना ये मान भंजन लीला सभी जगह है, लेकिन इतना मीठा लीला कहीं नहीं जो गीत गोविंद में थोड़े शब्द में जयदेव पंडित ने वर्णन किया है। सुखयति रसिक जनम हरिचरितम, ये प्रियालाल का जो चरित्र है वो सारे रसिक जनों को सुख दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। स्निग्ध जद परुषासि जद प्रणमति, स्तब्धासि जद रागिणी, द्वेषस्थासि जद उन्मुखे विमुक्तां, यातासि तस्मिन् प्रिये तद्योक्तं विपरीतकारिणि तव श्रीखण्डचर्चाविषं, शीतांशुस्तपनो हिमं तव क्रीडामुदो यातना।